सबसे पहले तो स्पेशल यार आसाम वालों, यार दिल से लव यू मैं, और मेरे जितना भी सब्सक्राइबर है आप सभी को थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। इतना मतलब आसामीज तो हम लोग को इतना नहीं आता है, पर ट्राई किया लेकिन इतना अच्छा सपोर्ट रहा गाइस। मतलब मैंने जब ऐसे वीडियो अपलोड करके दोपहर तक वेट किया, इतना व्यूज़ नहीं आया था, रात को रात तक वेट किया व्यूज़ नहीं आया, पर जब देखा मैंने मतलब सुबह जाग के, रात को भी मतलब ऐसे दो तीन दिन से करंट नहीं था, तो रात को मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके ऐसे रख के सो गया था। तो फिर अचानक से सुबह जब जाग के मैंने YT स्टूडियो ओपन किया, तब देखा मतलब इतना ज़्यादा व्यूज़, तो मतलब मुझे आजकल YT स्टूडियो क्या हो गया इसे मतलब डाउट लग गया था। फिर बाद में इतना अच्छा कमेंट, सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर, मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के कि मतलब आसामीज वाला ब्लॉग में इतना ज़्यादा व्यूज़ कैसे यार। आसाम वाला यार दिल से लव यू। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहना ताकि और हम लोग आगे बढ़ पाए, और स्पेशली थैंक यू यार सबको, सिर्फ आसाम वालों के नहीं, जो जो भी मेरा सब्सक्राइबर है और जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, उन सभी को यार थैंक यू सो मच यार। और आज थोड़ा मोबाइल को दूर से रिकॉर्ड करा जिसके कारण से मुझे आज माइक्रोफोन का ज़रूरत था, पर मैंने लेके नहीं आया, ईयरफोन लेके आया, तो मैंने ईयरफोन से रिकॉर्ड करना शुरू किया। आप लोग सोच रहे हो इतना गर्म में गला में लेके क्या करें, तो इस मतलब एक्चुअली ये इससे रिकॉर्ड हो रहा है अभी जो आप लोग सुन पा रहे हैं। तो यार आप सब लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इस तरह से बोल सकता उसको कि अनएक्सपेक्टेशन। तो गाइस मतलब मैंने जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा हो गया। अगर गाइस इसी तरह सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो गाइस इसी तरह आप लोग प्यार दिखाते रहना। ये वीडियो मतलब मैं बहुत जल्द बनाने वाला था लेकिन लेट हो गया, जिसका कारण है मतलब हम लोग यहाँ में दो तीन दिन से कारण जो कि यानी कि बिजली, तो कारण नहीं था, तो मोबाइल चार्जिंग करने के लिए बहुत तकलीफ होता था, और मेरा फ़ोन तो चार्ज था लेकिन मतलब जिस फ़ोन से मैं एडिटिंग करता हूँ उस फ़ोन में चार्ज नहीं था। तो मतलब मैं जब एडिटिंग करता हूँ तो उस फ़ोन को मतलब चार्जिंग में लगा के, और मतलब चार्जिंग में लगा लगा के एडिट करता हूँ, जो कि एडिटिंग के लिए मुझे तभी मतलब इतना समय दे पाता है मोबाइल, क्योंकि वो मोबाइल जो है ना मतलब बैटरी ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता है, जिसके कारण से मुझे चार्जिंग लगा लगा के एडिट करना पड़ता है। तो जिसके कारण से मैं ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है आप लोग को, मतलब ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बस ऐसे ही नॉर्मल होगा, और आज का ब्लॉग में बस मुझे आप लोग को ये कहना था कि मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, उसके तो और थोड़ा सपोर्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, और आज का छोटा सा ब्लॉग में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। कल शाम को करंट आ गया था, तो अब बिंदास ब्लॉग एडिट करेंगे और ब्लॉग बनाएंगे और तबाही मचाएंगे। तो वीडियो में बने रहना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फिर से बोल रहा हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो फिर से दोस्तों का साथ शेयर करना ताकि और अच्छा खासा व्यूज चले जाए। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से दो तीन दिन के बाद नया ब्लॉग बना रहा है, और आज का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा यहाँ का जगह घूम लूँ। तो इसे घर का सामने का जगह है जो कि मतलब बहुत दिनों से ये जगह में नहीं घूम रहा है, तो आज को आया घूमने के लिए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी प्यारा है, आज थोड़ा भी धूप नहीं है, और मतलब ऐसे है कि थोड़ा बारिश भी नहीं दे रहा है और धूप भी नहीं है, ऐसे मतलब थोड़ा मौसम आज ठंड भी है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आप लोग से बातें कर लो और थोड़ा घूम फिर लो, तो मैं आप लोग को यहाँ का जगह भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, और मैं घूम भी लो, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज का ब्लॉग में आप लोग को, मैं एक दो ऐसे छोटा छोटा जगह दिखाने वाला हूँ यहाँ का। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना अपना भाई को। और अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ का छोटा मोटा व्यू सिनेमैटिक शॉर्ट्स का साथ। ऐसे मौसम होना मतलब घूमने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, और काफ़ी ठंड ठंड सा हवा चलाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यानी कि माइंड रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने बोला था अभी आप लोगों की एक दो जगह दिखा दूंगा, पर
आप लोग को साइड कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा होगा कि छोटा छोटा बारिश आ रहा है, तो कहीं मैं भीग ना जाऊँ, मुझे अभी फिर से घर जाना पड़ रहा है। अगर बारिश दिया तो मैंने छतरी भी नहीं लाया, तो शायद अगर बारिश दिया तो मेरा सत्यानाश होने वाला है, तो अभी जा रहा है मैं फिर से घर में। तो मैं अभी आप लोग को एक पेड़ दिखाता हूँ जो कि काफ़ी खतरनाक वाला है, आप लोग देख के चौंक जाओगे, कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। मैं अभी आप लोग को एक पेड़ दिखाता हूँ, बहुत डेंजरस वाला है, अभी दिखाता हूँ। बारिश भी काफ़ी तेज आ रहा है, तो जल्दी से दिखाते और चलते। तो आप लोग जो इस पेड़ को देख रहे हैं, एक साइड में दूसरा कलर का पट्टा, एक साइड में दूसरा कलर, जो कि काफ़ी अजीब लगता है देखने में। आप लोग कभी देखा क्या कमेंट में ज़रूर बताना। जो कि पेड़ का इस साइड वाला हिस्सा कुछ अलग कलर का है और इस साइड वाला कुछ अलग कलर। और अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कैसा हुआ। तो एक साइड अलग कलर और एक साइड अलग कलर, क्यों मतलब इसमें आग जलाया था, जो कि एक साइड वाला में आग का थोड़ा हीट मिला था, गर्म मिला था, तो जिसके कारण से उसका पत्ता जो गर्म का कारण से वो हो गया, मतलब मर गया। तो और एक वाला सही सलामत है, तो जिसके कारण से ऐसा हुआ। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन मोबाइल कैमरा में क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा है, धीरे धीरे देख सकते हो पूरा भीग रहा है, तो भागना पड़ेगा अभी हमको। तो गाइस देख सकते हो मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, और मैं जस्ट अभी ब्लॉगिंग करने के लिए निकल गया बाहर में, और मौसम काफी खराब। तो अभी जा रहा है मैं फिल्म में, जो कि अपना दोस्त के साथ पीछे में दोस्त है, वो शर्म करता है, तो मैं उसको वीडियो में नहीं लाऊंगा। और आप सभी को थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। और अभी जा रहा है फिल्म में, तो चले चलते फुटबॉल वगैरह खेलते थोड़ा मोड़ा टाइम पास के लिए। तो और एक बात की काफ़ी अच्छा हुआ कि हम लोग जो ये रास्ता चल रहा है तो कुछ दिन पहले नया बन चुका है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब से नया रोड बन गया, मतलब घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि साइकिल चलाने के लिए भी काफ़ी मज़ा, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है साइकिल चलाने के लिए और पैदल घूमने के लिए भी। तो जब से रास्ता बन गया तब से घूमना फिरना और थोड़ा और ज़्यादा हो गया, और घूमने में भी काफ़ी मज़ा आता है, जो कि नया रोड बन चुका है। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, देख सकते हो आप लोग इतना छोटा सा रोड है, और साइड में पूरा का पूरा जंगल जंगल जंगल। तो जस्ट फिल्म में पहुंचने वाला हुआ है और दोस्त लोग खेल रहे, तो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को वहाँ का व्यू। और जस्ट फिल्म का सामने पहुंच चुका है, और काफ़ी सारा लोग खेल रहे फिल्म में। और इधर स्कूल हम लोग का, जो कि हरिपुर 2 ब्लैक्स का स्कूल छोटा सा, तो देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि फिल्म में खेलने के लिए हर शाम को आता है इधर खेलने के लिए, और उधर फुटबॉल खेल रहा है। मैं तो आज फुटबॉल नहीं खेलूंगा क्योंकि अभी जस्ट नहा के आया है, और फिर से नहीं नहाना है मुझे बार बार। तो अभी जस्ट इधर बैठ के थोड़ा टाइम पास करते, टाइम स्पेंड करते, उसके बाद फिर चलना है घर। और इधर बच्चा लोग कैसा दौड़ रहे। फिर क्या आ गया, और ब्लॉग एंड करने के लिए मैं भूल गए। तो इस ब्लॉग में बस इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।